इन्वेंट्री होती क्या है? सबसे पहले ये समझने वाली बात है कि इन्वेंट्री क्या है। तो व्हाट इज इन्वेंट्री, इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रही हूँ, शायद आपको कुछ समझ में आया जी। इसको देख के क्या याद आ रहा है आपको? गोडाउन, ओके। और इसको देख कर क्या याद आ रहा है? ऑब्वियसली मॉल। और ये हमारे मॉल या मॉल के अंदर जो भी आइटम सेल होते हैं वो हैं। और इसी तरह से बहुत सारे आइटम्स हमें मिलते हैं, हम जो चाहे जिस तरह की कैटेगरी में चाहे ले सकते हैं, जैसे कि ऑयल हो गया हमारा, या फिर गेहूं वीट हो गया, या फिर हम आटा लेते हैं अलग अलग ब्रांड्स का, कई सारे ब्रांड होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के भी अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, और हम उन्हें सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद उन्हें परचेज करके ले आते हैं। बट क्या हम ये सोचते हैं कि वो जो सारी चीज़ें हमने वहाँ देखी हैं वो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं? जैसे कि अगर हम जनरल स्टोर की बात करें, तो वैसे तो जनरल स्टोर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिए हैं, राइस एंड दाल। तो राइस की अगर बात करें तो बासमती, सफीना, हरी पत्ती, ये तीन तरह के राइस हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, आपको पता ही होगा, मैरिज वगैरह में हरी पत्ती यूज़ किया जाता है, सिंपली बासमती भी लोग यूज़ करते हैं घर में। तो अगर हमें ये मालूम करना है कि हमारे पास बासमती चावल जो है, बासमती राइस जो है, वो हमने कितना परचेस किया था और अब कितना सेल हो चुका है और अब बचा कितना है, क्योंकि जब ये स्टॉक कम हो जाएगा, इसे स्टॉक बोलते हैं, तो ये जब स्टॉक कम हो जाएगा तब हम इसे परचेस करेंगे, फिर से हम अपना स्टॉक पूरा करेंगे, नहीं तो जब कस्टमर आएगा तो उसे लौटना पड़ेगा, तो वो दिक्कत वाली बात होती है। तो इसलिए हमें अपना स्टॉक मेंटेन करके रखना है, यानी कि जो चीज़ ख़त्म हो रही है उसे हमें पहले से ही लाना है। और दूसरा एग्जांपल हमने लिया है दालों का, तो दालें भी, कुछ दालें बहुत ज़्यादा सेल होती हैं, कुछ बहुत कम सेल होती हैं, तो जो चीज़ कम ज़्यादा सेल हो रही होगी उन्हीं को हम परचेस करेंगे। तो उसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज़ ज़्यादा सेल हो रही है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तरह से दालें या कुछ भी मॉल या जनरल स्टोर में इस तरह से लगा होता है, तो यहाँ पर जो है सिर्फ उतना नहीं होता है बल्कि बहुत कुछ गोडाउंस में भी होता है। तो उनको लास्ट टाइम जब वो गोडाउन से ये सामान यहाँ पहुँचाते हैं, उसी टाइम पर उनको मालूम हो जाना चाहिए कि अब उनके पास और आगे स्टॉक इस चीज़ का नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे होती हैं। जब मॉल्स की हम बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें परचेज की जाती हैं, तो इसको कंप्यूटराइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जिस टाइम पे हम सामान परचेज कर लेते हैं उस टाइम पे तो हमें बिल मिलता है, उससे उन लोगों को पता चल जाता है कि वो कितना सेल कर रहे हैं, और जब परचेज वो करते हैं उनके पास जितना सामान आता है उससे उनको पता चलता है कि उन्होंने कितना परचेस किया है। उसके बाद जो हम इन्वेंट्री का काम करते हैं उससे हमें ये पता होता है कि अब किस चीज़ की ज़रूरत हमें कब और कहाँ है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि इन्वेंट्री क्या होती है। अगर नहीं आई है तो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्यूटर है, मोबाइल है। अब अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, सैमसंग, डेल। तो हमें ये मालूम करना है कि कौन सा ब्रांड का कंप्यूटर ज़्यादा सेल हो रहा है, कौन सा कम हो रहा है। जो ज़्यादा सेल हो रहा है उसको हम फिर से परचेज कर लेंगे या उसका मैन्युफैक्चर पहले कर लेंगे, उन्हें मंगा कर रख लेंगे। इसी तरह मोबाइल में भी हमने देखा है कि बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, बट इस टाइम पे जो ज़्यादा चल रहे हैं वो ओप्पो, वीवो और सैमसंग ही चल रहे हैं, तो मोस्टली लोगों के पास यही है। लेकिन इसमें भी कौन सी चीज़ सेल हो चुकी है, अब हमारे पास नहीं बची है, और कौन सी चीज़ अभी है स्टॉक में, ये मालूम करने के लिए हमें जो प्रोसेस करना होता है वो हमारा कहलाता है इन्वेंट्री। ओके, तो इन्वेंट्री को और अच्छे से समझने के लिए जब हम कंप्यूटर पे इसे करेंगे, उसके लिए मैंने एक ये चार्ट बनाया है। जैसे मैंने आपको दो चार्ट सिखाए, उसमें जनरल स्टोर का अलग था और इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग था। अब अगर हम मॉल की बात करते हैं,
तो मॉल में क्या है, ये सारी चीज़ें अलग अलग तरह की अलग अलग जगह पर होती हैं, लेकिन एक ही मॉल में होती हैं, कोई एक ही पर्सन उसका ओनर होता है और उसी को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो उसके लिए वो इन्वेंट्री एक साथ की जाती है। तो अब हम चलेंगे अपने टैली स्क्रीन पर और देखेंगे कि किस तरह से हम कंप्यूटर में इसकी एंट्री करते हैं और इसको कैसे हम देखते हैं और कैसे मैनेज करते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से आई थिंक समझ में आ गया होगा कि इन्वेंट्री क्या होती है। तो मैं हूँ उज्मा परवीन और मैं आपकी कंप्यूटर ट्रेनर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर की सीरीज़ चला रहे हैं टैली की, बिल्कुल बेसिक लेवल से मैंने इसमें स्टार्ट किया हुआ है। अगर आपने शुरू की वीडियोस नहीं देखी हैं तो स्टार्ट से देखिए, क्योंकि अगर आपने टैली में या कंप्यूटर में या अकाउंट्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी आप हमारी वीडियोस के थ्रू बहुत अच्छे से टैली सीख सकते हैं और अपनी जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक एंड शेयर करिए, क्योंकि उससे आपके जैसे और भी लोगों का फ़ायदा हो। ओके, तो चलते हैं हम अपनी टैली स्क्रीन पर। टैली स्क्रीन पर चलने से पहले एक चीज़ और हमारे लिए जानना ज़रूरी है, उसमें जब हम टैली स्क्रीन पर जाते हैं तो इन्वेंट्री ऑप्शन में ये चार ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं। इन चारों ऑप्शन को हम इस चार्ट के अकॉर्डिंग समझ लेंगे तो हमें आसानी रहेगी। यहाँ पर जब हम ग्रुप बनाते हैं तो वो ग्रुप क्या होता है, अगर हम इस चार्ट को बना रहे हैं तो जो कंपनी का नेम होगा वो शॉपिंग मॉल होगा, और जो इसमें कैटेगरी होगी वो आपकी जो है वो होगी स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बुक्स, जनरल स्टोर, ये हमारी कैटेगरी में आएगा। जबकि जो कंप्यूटर, मोबाइल, राइस और दाल है ये हमारा ग्रुप में आएगा, और बाकी के सब नीचे जो आइटम्स हैं वो हमारे स्टॉक आइटम्स में आएंगे। अब यूनिट ऑफ मेज़रमेंट क्या होता है, जैसे कि हम लोग कोई चीज़ ख़रीदते हैं किलो में, कभी ग्राम में ख़रीदते हैं, कभी लीटर में ख़रीदते हैं, तो वो होता है यूनिट ऑफ मेज़रमेंट। तो यहाँ पर सैमसंग, डेल और ये जो मोबाइल्स हैं इन्हें हम पीसेस में ख़रीदेंगे, पीसेस यानी नंबर्स में ख़रीद सकते हैं, नंबर्स को हम पीसेस भी लिख सकते हैं और नंबर्स भी लिख सकते हैं। उसके अलावा जो आपका ये चावल और दालें हैं इन्हें हम कुंटल, किलो और ग्राम में बेचते हैं, कुंटल में मेनली ख़रीदा जाता है और किलो एंड ग्राम में बेचा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको अब अच्छे से आ गया होगा कि किस ऑप्शन का कहाँ पर यूज़ करना है। अब हम टैली की स्क्रीन देखते हैं।